सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सेट एच बिहार बोर्ड 2020 का जो एग्जामिनेशन था उसमें सेट एच का जो केमिस्ट्री पेपर था उसमें मैं डिस्कशन करूंगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा। आप सभी इससे मिला लीजिए, मेरे पास सेट एच है, आपके पास अगर कोई अलग सेट है तो आप क्वेश्चन को देख करके आप मिला लीजिए, क्योंकि सेट अलग में क्वेश्चन नंबर डिफरेंट रहता है और क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप सभी को आंसर में बताता हूं। तो चलिए आप मिलाते जाइए, कॉपी निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और आप मिलाते जाइए। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केनल इज, तो फर्स्ट का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा BCNH2NO। तो फर्स्ट का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन एडिशन ऑफ COOH ग्रुप एमिनो एसिड कॉन्टेंट, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा टू का सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा BNH2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे थ्री नंबर क्वेश्चन है इन द रिएक्शन ऑफ N2 3H2O टू फॉर्म 2NH3 प्लस क्यू इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन फॉर्मेशन ऑफ NH3 इंक्रीजेस, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, थ्री का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है बेंजीन का अनुसूत्र द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फोर का BC6H6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव, फाइव में दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ मिथॉक्सी मीथेन, तो फाइव का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए CH3OCH3, ये हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन का सही फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है Which of the following metal does not liberate hydrogen gas on reaction with acid? तो सिक्स का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका डी, Mg हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेवन व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस आर, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सेवन का वो हो जाएगा एलोट्रॉफ, सेवन का ए हो जाएगा व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस आर एलोट्रॉफ्स ऑफ इच अदर। एट में दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Na3CrC2O4 होल थ्राइस, तो एट का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स एट का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है नाइन नंबर क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, तो नाइन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स नाइन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑक्साइड ऑफ आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है टेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, टेन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए ऑफ ऑस्मोसिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इलेवन, इलेवन में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर, तो इलेवन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी CH3COOH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 12 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए डायमंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 13 में नंबर में दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी CH3 होल थ्रेस एंड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 14 में दिया गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन बिकॉज, ए का जो है ए का जो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लॉ, इसका जो सही रीजन होगा ये हो जाएगा ए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज, 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ ओलियम इसका ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 16, 16 में दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एमोरफस सॉलिड, 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी ग्लास, हमारे फर्स्ट सॉलिड का जो सही इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लास। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे, 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइडल सॉल्यूशन, तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें दिया गया ओवे रॉल्ट्स लॉ, डोनोट ओवे रॉल्ट्स लॉ, तो ए हो जाएगा ओवे रॉल्ट्स लॉ आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 का, 18 में दिया गया है मिनरल फ्रॉम व्हिच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज, तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए ओर। और आप लोग फिजिक्स का जो है नहीं मिला है आंसर सेट, तो आपको वो आई बटन में यहाँ पे आपको एक ऊपर में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप फिजिक्स का आंसर सेट मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक, तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में दिया गया है इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज, तो 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 20 का ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 21 में दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए में दिया गया ऑल ओर सिमिलर, बी में दिया गया ऑल मिनरल्स आर ओर, सी में दिया गया ऑल अल्कली आर नॉट बेस, तो 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए
21st का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो आ जाएगा ए, ऑल ओवर्स आर मिनरल। 22 में दिया गया है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मोलिकुलर वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन पर, 23 नंबर दिया गया है टी हाफ, दिया गया है टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 23 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी 0.683 अपॉन के। चलिए वैसे 0.693 होता है लेकिन आपको इमेज फ्रेंड है तो यहाँ पे 683 आप ले सकते हो। 24 नंबर क्वेश्चन पर देखिए कीटोन आर सी ओ आर डैश ऑन रिडक्शन विथ एल आई एल एच फोर एच टू गिप्स, तो 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 25 में दिया गया इन एच सी पी यूनिट सेल नंबर ऑफ आइटम इज, तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 6, 25 का जो आपको सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑर्गेनिक एसिड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा CH3COH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर में द टेंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन, तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सी सस्पेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आई इन एन आई सी ओ फोर, तो 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 30 का ए पी इक्वल टू सी आर टी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आइडेंटिफाई फिनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग, तो 31 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बाय ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ टू पास, 32 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉरी 32 का जो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे, 33 नंबर का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी CH3CHO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज, तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका बी इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर, 35 नंबर का दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फाउंड, तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी NaCl4O2-, तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियडिक टेबल द एलिमेंट फाउंड इन, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सल्फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एलेनिन इज, 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 38 नंबर क्वेश्चन पर, 38 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड सो फेरोमैग्नेटिज्म, 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी Be2O5। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर, 39 में CONH2 ग्रुप इज नॉन एज, तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए एमाइडो ग्रुप। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर, 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज, तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज COH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 41 में एनी रिएक्शन कैटेलाइज्ड का क्या रोल होता है, तो इसमें हो जाएगा सी बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए 42 नंबर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एफ। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।